हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम पी वीविंग। आज आपको बहुत ही सुंदर स्वेटर का डिज़ाइन बता रही हूँ, जो बहुत ही आसान है और इसे मैंने अपने फुल ब्लाउज़ में बनाया है। पहनने पर बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन और बहुत ही इजी है। इसके लिए आप बॉर्डर के बाद ये बेस कलर आप 5 फंदे और 1 फंदे कंट्रास्ट कलर, 5 फंदे बेस कलर, 1 फंदे कंट्रास्ट कलर, इस तरह से करके बुनाई करो। दूसरी लाइन में 3-3 का बराबरी हो जाएगा, एक एक फंदे इसमें कंट्रास्ट बढ़ेंगे और बेस का एक एक कम होकर 3 फंदे हो जाएगा। और तीसरी लाइन में ये आपकी डिज़ाइन कंप्लीट, यानी कि 3 लाइन की ही ये डिज़ाइन है। ये ग्राफ सिर्फ 3 लाइन की है। अब आपका ये उल्टी साइड जा कर के ये कंप्लीट होगी, तब आपको फिर 2 लाइन प्लेन बुनने हैं कंट्रास्ट से, बेस कलर से 2 लाइन आप इसको बुन जाओ। 2 लाइन बुनने के बाद फिर से स्टार्ट करना है, लेकिन ये स्टार्ट होगी उल्टी साइड से। और उल्टी साइड से जब आप दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो ध्यान देना कि ये जो बीच वाले 5 फंदे आपने बेस में जो फर्स्ट चांस लिया था, तो 5 फंदे के बीच वाले में आपके ये शुरू के फंदे पड़ने चाहिए, जो 1 फंदे हैं। ये 5 के बीच इसी तरह से आप 5 के बीच लोगे, यानी कि 2 इधर 2 इधर, 1 आपने इधर लिया। तो अब की डिज़ाइन जो बनेगी वो इस 3 फंदे में बनेगी, जो 3 फंदे आपका खाली है उसमें ये डिज़ाइन बनना चाहिए। और आप फिर इसको उल्टे से शुरू करोगे तो उल्टे से आए, फिर ये सीधी से जाएगी 3 फंदे, और फिर आपको तीसरी लाइन फिर सीधे में आएगी, तो फिर आप 2 लाइन बुन जाना, फिर ये स्टार्ट करना। कहने का मतलब कि आपका जो पहला है वो सीधी से बनेगा, दूसरा उल्टी से, फिर सीधी से, फिर उल्टी से, इस तरह से आपके स्वेटर बनते जाएंगे और स्वेटर बहुत ही खूबसूरत उतरेगा। और आसान सा, कितना आसान डिज़ाइन है ये दोस्तों। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।